क्योंकि पूरे भारत में इकलौते हैं। बालाजी की कहानी है कि और ये भव्य मूर्ति राजस्थान में जलेबी दूध ये सब भी तो मिलता था यार। वो वही मिलता था इंटरनेशनल मेला में। हाँ, तो हम साला सर आ गए थे बालाजी, और ये हमारा रूम है या अलमीरा है या टीवी है, और यहाँ पे ये पूरा एरिया दे रखा है। ये भी धर्मशाला है, तो आप होटल वाले एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये वॉशरूम है हमारा, गर्म पानी मस्त चल रहा है। सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन फैसिलिटीज आप होटल वाली सोचोगे तो वो नहीं मिलेगी। और बाहर आपके यहाँ पे बालकनी है जो आप ऐसे देख सकते हो। जैसे ये यहाँ का हॉस्टल लाइट व्यू है, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है। और हमें पड़ा 2300 में एक रूम, शायद मैं कंफर्म करके बताता हूँ अभी आपको। तो थोड़े यहाँ पे सोफ़ा वाले रूम भी हैं, और एक डबल भी है, जैसे हमने 3 वाला रूम लिया। तो टोटल दोनों का मिला के 2300 रुपये पड़े, 1300 थ्री बेडरूम के, थ्री बेडरूम जैसे थ्री बेड के, और 1000 रुपये करीब आपका डबल बेड का, जब मम्मी लोग उधर लिए तो ये पड़ा है। और आपको एक बार कोशिश करता हूँ बाहर का व्यू दिखाने के लिए। हमें खाटू श्याम से करीब करीब 2 घंटे 10 मिनट लग गए यहाँ आने में बाई कार। और कार का पेट्रोल तो आप, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कौन से कार या डीजल से आ रहे हो। बाकी आप ट्रेन से भी आ सकते हो खाटू श्याम। ये पूरा अंदर का व्यू है, बहुत ही सुंदर फाउंटेन। ये ट्रस्ट पे चलता है, एक ट्रस्ट है बता रहे थे, होम्योपैथी के डॉक्टर भी बैठते हैं यहाँ पर। और ये पूरा व्यू है बाहर का, बहुत ही सुंदर। श्री राम हवा, ये पूरा धर्मशाला का व्यू है। श्री बालाजी धर्मशाला है, साला सर बालाजी में पूरा। और ये पूरा पूरा पार्किंग एरिया है, बहुत ही चौड़ी जगह है यहाँ पे पार्क करने के लिए। देख सकते हो हमारी कार यहाँ लगी हुई है। और ये नाम है श्री बालाजी सेवा सदन एवं धर्मार्थ औषधालय साला सर धाम विकास समिति। तो कल दिन 12-1 बजे तक के लिए हमारी चेकिंग है यहाँ से। और ये हनुमान जी, ये पूरा बाकी यहाँ फैसिलिटीज़ की थोड़ी जैसे कमी लगेगी आपको। जैसे यहाँ पे कैंटीन है जो 10 बजे बंद हो जाता है, खाना भी यहाँ 10 बजे बंद हो जाता है। आपको खाना रात का 10 बजे तक ही मिलेगा अगर आप लेट हो गए तो। और बाकी आप अगर होटल की तरह ढूंढोगे कि टावल अभी सब कुछ मिल जाए, तो वैसा नहीं मिलेगा, जो है वैसे ही है धर्मशाला। बट इतना बुरा भी नहीं लगा मुझे, हमें तो रात को रुकना है, सुबह हम निकल जाएंगे आगे बालाजी के दर्शन करके। और ये ट्रॉली भी दिया हुआ है सामान ले जाने के लिए, जिसका हमने उपयोग नहीं किया क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है, कभी कभी हम वो चीज़ भूल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन का बना रखा है। ये भगवान का मंदिर तो ऑलरेडी दिखा दिया आपको हमने। ये हमारा आज का नाश्ता है धर्मशाला में, जहाँ हम रुके हैं साला सर में। और अभी पूड़ी आने वाली है, टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ ये साला सर बालाजी मंदिर का रोड है, यहाँ पे एक श्री अंजनी माता मंदिर भी है, इसकी कहानी में मैं आपको बताऊँगा। तो मोहनदास जी के सपने में बालाजी आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने मूर्ति, उनकी मूर्ति एक जगह पर दफन है एक गाँव में, वहाँ से उन्होंने बोला निकालने को, और कहा कि इसको एक रथ पे रख दीजिए, उस रथ को कोई नहीं चलाएगा, और सारा सर में जहाँ भी वो रुकेगा रथ, वहीं पर उनका मंदिर की स्थापना करने के लिए। तो ये पूरी कथा है, तो वहीं पे मंदिर की स्थापना हुई। बाद में औरंगजेब ने 1600 सदी में इसको तोड़वा दिया था पूरी तरह से, फिर बाद के राजाओं ने मंदिर को वापस से बनाया, वापस स्थापना की।
और आज यहाँ पे मंदिर है, कहते हैं यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आप यहाँ के इस मंदिर में बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। ये हनुमान जी का बाल रूप है। तो ये है पूरी कथा, बाकी अंजनी महादेव की कथा मैं आगे बताऊँगा आपको, अंजनी महा के मंदिर में आपको वहाँ की कथा बनाऊँगा। ये यहाँ पे शॉप है सारी, और हमने टुक टुक लिया है, यहाँ रिक्शा लिया है मंदिर जाने के लिए। वैसे पैदल भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, बट हम हर चीज़ को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और एक ही बस चीज़ है, जहाँ पे हिंदू टेम्पल है वहाँ गंदगी कुछ ज़्यादा ही मिलती है, हम हिंदू लोग कभी भी सफाई रखना नहीं सीख पाए हैं। तो एक चीज़ है कि साफ रखने की कोशिश करें अपने मंदिर को, अपनी पूजा के जगह को। और देखिए मंदिर ही मंदिर, पानी सब सब चीज़ यहाँ मिल जाता है। ये थोड़ा व्यू है, तो यहाँ मंदिर के बाहर का कुछ व्यू है। यहाँ पे एक होटल भी है, जो इसका रेट का तो आइडिया नहीं, क्योंकि हम धर्मशाला में रुके और अभी हम प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे जैसा मुझे बताया गया कि प्रसाद चढ़ाने देते हैं, ऐसे खाटू श्याम में तो प्रसाद चढ़ाने नहीं देते, तो कोई फ़ायदा नहीं होता लेके, क्योंकि वहाँ भाई वैष्णो देवी वाला हाल है, एक एक सेकंड में हटा देते। और ये इस तरह का है पूरा पूरा, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। बोलते रहे चढ़ाने देते, बाकी आपको बताता हूँ, और आगे कैमरा यूज़ करने देते नहीं देते नहीं पता, तो आगे पता चलेगा। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, मंदिर के एंट्री यहाँ से पूरा पूरा, और इधर से भी लोग आ रहे हैं मंदिर के लिए। सालासर बालाजी के दर्शन हो गए। तो इन यहाँ पे ना इनका इनकी जो प्रतिमा है, ये एक अनोखी बात है, किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ पे मूछ और दाढ़ी की प्रतिमा है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, क्योंकि मोहनदास उनको उसी रूप में देखते थे और पूजा करते थे, तो उसी तरह की प्रतिमा है। और पूरे भारत में इकलौते एक ऐसी हनुमान जी की प्रतिमा है जिसमें मूछ और दाढ़ी बनी हुई है, हनुमान जी की, बालाजी की। तो ये है श्री अंजनी माता मंदिर, यहाँ पे अब माँ के दर्शन यहाँ अंदर होंगे। तो अंजनी माता की यहाँ पे कहानी है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो हनुमान जी ने अपनी माँ की तपस्या की और उनको बोला कि माँ, बहुत सारे जो ब्रह्मचारी नहीं होते, लड़कियाँ होती हैं और भी लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे सवाल मेरे पास लेके आते हैं जो ब्रह्मचार्य के अंतर्गत नहीं आता, इस काम और भी जैसे इच्छाएं व बाकी चीज़ों का, जिनका वो जवाब नहीं दे पाते। तो उन्होंने बात की माँ से, तपस्या की उनकी, तो माँ ने उनको बोला ठीक है, तो माँ यहाँ आके फिर विराजमान हो गई, ताकि उनकी बात बाकी जो सवाल के हनुमान जी जवाब नहीं दे पाते, तो उसके वो जवाब दे पाए, इसीलिए यहाँ पे अंजनी माँ का मंदिर भी है। और कोई त्रुटि रह गई हो बातें बताने के लिए तो बताना, कमेंट में अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा। तो जिस धर्मशाला में हम रुके थे उसके सामने ये बड़ा सा स्मारक, एक पार्क सा बनाया हुआ है हनुमान जी का, और ये भव्य मूर्ति हनुमान जी की है यहाँ पे। तो दिल्ली जाते टाइम अभी हमें एक रास्ते में झुनझुन वाला महल, झुनझुन वाला पड़ता है एक रास्ता, उसमें एक ये महल टाइप का या कह सकते हैं मंदिर टाइप का है, रानी देवी मंदिर करके। तो ये कुछ व्यू है उसका, तो यहाँ अभी हम आए हैं ये विजिट करने। इसकी कहानी मैं पता करके बताऊँगा एग्जैक्टली, मुझे अभी इसका कहानी इसकी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखने में तो बहुत ही सुंदर है,
ये कुछ व्यू है इस महल का। इनको शायद दादी जी का मंदिर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ का, बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। तो आप अपने चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी आगे का और भी व्यू दिखाता हूँ। डू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपके सालासर बालाजी वीडियो पे जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी की कृपा होगी आप पे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, और इसके आगे का व्यू भी दिखाते हैं अभी आगे जाके अगर अलाउड हो तो। बहुत ही सुंदर है पूरे मंदिर का व्यू। तो ये इधर का फाइनल व्यू आपका। तो ये बाहर का दुख है, यहाँ पे पहाड़ है मस्त। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं घर, और रास्ते में अगर कहीं रुके तो आपको वहाँ का भी कुछ दिखाएंगे कैसा था। और ये पूरा व्यू था जो ऑलरेडी दिखा दिया आपको। फिर मिलेंगे आपसे कभी। सबक है शुभरात्रि, सबक है शुभरात्रि, सायोनारा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपको, आपसे बाय। जय जय हनुमत, नमो नमः श्री राम दुताए, नमो नमः। एक कूद में समुद्र को लांघे, एक कूद में समुद्र को लांघे, भूत पिशाच भी धर धर कांपे, भूत पिशाच भी धर धर कांपे, सीने में बस सिया राम जी, सुबह शाम बस राम को जापे, एक कूद में समुद्र को लांघे, भूत पिशाच भी धर धर कांपे, सीने में बस सिया राम जी, सुबह शाम बस राम को जापे। जय जय हनुमत, नमो नमः श्री राम दुताए, नमो।